नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊंगा 5 ऑनलाइन फोटो एडिटर के बारे में। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कभी फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हो या फोटोशॉप आप यूज में नहीं लेते हैं, बिगिनर्स हैं, सिर्फ आपको छोटा मोटा थोड़ा सा काम करता है फोटो के ऊपर, तो आप इन ऑनलाइन फोटो एडिटर्स को यूज में ले सकते हैं। इन सभी फोटो एडिटर के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कैसे यूज में ले सकते हैं, कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पिक्सलर एडिटर, इसकी ऐप भी मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर के ऊपर, और यहाँ पर भी आप इसको यूज में ले सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि आप जैसे यूज में लेंगे तो फोटोशॉप की तरह ही लुक इसके अंदर नजर आएगा। लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर टूल्स नजर आएंगे और ऊपर साइड में यहाँ पर मेन्यू नजर आएंगे, लेकिन जितने ऑप्शंस फोटोशॉप के अंदर हैं सभी के सभी इसके अंदर नहीं नजर आएंगे। और ऊपर वाले जितने मैं और भी बता रहा हूँ सबके अंदर ऐसा नहीं है। फोटोशॉप बहुत ज्यादा एडवांस है इनसे, लेकिन आप इनसे बेसिक वर्क जो है वो जैसे क्रॉप करना, कोई स्मच पेंटिंग करना, क्रॉप करना, कट करना, छोटे छोटे जो कई सारे काम है उनको आप यूज में ले सकते हैं। देखिए कैसे यूज में ले सकते हैं, ये सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। मैं इसका लिंक दे देता हूँ, बस आपके पीसी के अंदर फ्लैश यूज में लेगा तो फ्लैश इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पर मैं फाइल के ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ पर ओपन इमेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप अपने कंप्यूटर से ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप मान लीजिए नेट के ऊपर कोई फोटो ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसको क्रॉप करना, जैसे ये फोटो है, तो आप इसको कॉपी इमेज एड्रेस से आप जाकर के और यहाँ पर जाएंगे तो ओपन इमेज URL और यहाँ पर कंट्रोल इसे आप पेस्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो वो फोटो डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगी। और उसके बाद में आप जो भी इसके अंदर करेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और या फिर क्रॉप वगैरह करना चाहते हैं इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। ये क्रॉप कर दिया आपने, ये यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए आपने क्रॉप कर दी, और उसके बाद में आप इसको अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। सेव के लिए यहाँ पर ऑप्शन है और फिर यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी। यहाँ पर सेव करनी है, यस कर दें सेव। और इसी तरह से मान लीजिए आप यहाँ पर ओपन इमेज करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर से ये फोटो यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं और उसके ऊपर भी आप वर्क कर सकते हैं। इसी तरह का मान लीजिए क्रॉप करना है वगैरह वगैरह, ये टूल्स जो है जैसे स्मच टूल है, स्मच पेंटिंग वाला, इनको यूज में ले सकते हैं। रेड आई रिमूवल वगैरह है, डोज टूल है, बर्न टूल है, इन सबको आप यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। और जो भी इच्छा आप कर सकते हैं, करने के बाद में आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो है फोटोशॉप एक्सप्रेस। ये भी आपको प्ले स्टोर के ऊपर इसका भी ऐप मिल जाएगा, तो आप उसको ऐप को यूज में ले सकते हैं मोबाइल के लिए। और यहाँ पर अगर आप यूज लेंगे तो स्टार्ट द फोटो एडिटर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ पर फोटोशॉप एक्सप्रेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन है, अपलोड कर देते हैं। अपलोड ये फोटो ले ली, इसके अंदर अलग तरह से ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन वैसे ही है कि आप क्रॉप, रिसाइज और इसके अंदर कुछ कलर करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हैं फोटो को, जैसे कि मान लीजिए कई तरह से ब्लैक एंड व्हाइट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, डेकोरेट वगैरह भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन है, जैसे कोई स्टिकर वगैरह देना चाहते हैं, टेक्स्ट वगैरह देना चाहते हैं, वो सब ऑप्शन यहाँ से दे करके और उसके बाद में आप डन कर देंगे। जैसे आप डन करेंगे तो सेव टू माई कंप्यूटर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेव और ये सेव कर दी, उसके बाद में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो है बी फंकी फोटो एडिटर। पहले जो अभी मैंने आपको दो बताए उनसे ज्यादा अच्छा है ये, लेकिन इसके अंदर जो सिंपल ऑप्शन लास्ट दो के अंदर हमने देखे वैसे के वैसे तो फ्री हैं, और बाकी जो इसके अंदर अलग है, अच्छा है, वो एडवांस है, वो आप क्या करना पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगा, तो इसको भी आप यूज में ले सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ बिना खरीदे कैसे यूज में ले सकते हैं। एक तरीका है यहाँ पर कि आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फोटो लेके आए, जैसे ये फोटो मैं यहाँ पर लेकर के आ गया। फोटो लाने के बाद में इस फोटो को मैं यहाँ पर ले आता हूँ और उसके बाद में इसके अंदर जो अलग है इसके इफेक्ट्स वो है, जैसे कि डिजिटल आर्ट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर है ऑयल पेंटिंग, इसको या इसको यूज में ले लेते हैं। मान लीजिए इसको मैं यूज में ले रहा हूँ। अब ये देखिए ऑयल पेंटिंग इफेक्ट हमने यहाँ पर दे दिया है, ये फोटो तैयार होगी। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस फोटो को आप अपने कंप्यूटर में सेव करें, तो इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरा जो तरीका है सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे ये फोटो दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के ऊपर से प्रिंट स्क्रीन वाला बटन दबा सकते हैं और जिस साइज की आपको चाहिए उसी साइज के अंदर आप इस तरह से ले लें। मान लीजिए ये फोटो का पार्ट चाहिए, तो आप ये बटन दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगी पूरी पूरी स्क्रीन। उसके बाद में आप फोटोशॉप के अंदर या फोटोशॉप वगैरह के अंदर जाकर कंट्रोल यू से पेस्ट करेंगे, स्क्रीन पेस्ट हो जाएगी और उसके बाद में आप बाहर की साइड में इसको क्रॉप कर दें। जैसे कि मैं यहाँ पर 7.0 फोटोशॉप के अंदर आकर के यहाँ पर इस तरह से क्रॉप कर रहा हूँ, बस अब इसको आप यूज में ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, आप बड़ी साइज के अंदर फोटो को अगर लेना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करना होगा।
वो आपकी इच्छा है अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो। और इतनी छोटी साइज की फोटो है, अब मान लीजिए फेसबुक वगैरह के ऊपर आपको सेव करनी है, व्हाट्सएप के ऊपर भेजनी है, स्टेटस पे या प्रोफाइल फोटो डालनी है, तो इस तरह से आप सिंपल क्रॉप करके और स्क्रीनशॉट लेकर इसको यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इनके जैसा ही है, फोटो चैट है, इसको आप यूज में ले सकते हैं। यूज में लेने के लिए आप अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड कर लीजिए और एक्सपोजर रोटेट वगैरह के जो इसके अंदर कई सारे ऑप्शन है, नॉइस वगैरह, फोकस वगैरह सब एडजस्टमेंट करने के, इनको यूज में लेकर के सेव कर सकते हैं यहाँ से। और अपने कंप्यूटर से पहले अपने फोटो यहाँ पर लेके आना चाहते हैं तो वो फोटो भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं इस तरह से। और इसके अंदर इफेक्ट भी है, इनमें से इफेक्ट यूज में ले सकते हैं, ओवरले, फ्रेम और टेक्स्ट वगैरह भी यूज में ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, थंबनेल के लिए यूज लेना चाहते हैं तो इसको थंबनेल के लिए भी यूज में ले सकते हैं। अच्छे अच्छे डेकोरेट किए हुए टेक्स्ट वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे, इनको यूज में ले सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेव कर लें तो ये भी इस तरह से यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में जो है नेक्स्ट है वो कैनवा फोटो एडिटर है, उसका उसके अंदर भी सेम है, फिल्टर है, एडजस्ट क्रॉप वगैरह, ये मैं डेमो इमेज यहाँ पर बता देता हूँ, आप खुद की अपनी अपलोड भी कर सकते हैं और ये इस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं और इसको भी यूज में ले सकते हैं। इन सबके लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए भी रहे तो आप इस चैनल संजय कुमार स्वामी को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलता रहेगा और आप मेरे पुराने वीडियो से भी कनेक्टेड रहेंगे। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।